ये ओवेन, गैस ओवेन जो आप देख रहे हो, क्या है ये? प्रेस्टीज का है, एक नामी ब्रांड का है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो मैं औरत और जो रसोई पकाते हैं औरतों की बात दिमाग में रखते हुए मैं सीरियसली ये वीडियो बनाया है। और आप लोग ज़रूर और ज़रूर ज़रूर देखना, ज़रूर ही देखना। ये अगर देखोगे आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये जब मैं लाई थी बाज़ार से, बहुत क्या बताओ, इतनी सुंदर गैस ग्लास है, ग्लास बॉडी है। और मैं बहुत खुशी खुशी घर में लाई थी, 4,000 लिया था मेरे से। और असली है इसका जो कागजात है सब असली है। तो मैं जब खुशी खुशी लाई थी, मुझे क्या ज़रूरत, मुझे क्या ज़रूरी आ गई कि मैं इसके बारे में ऐसा बोलूं। तो ये देखिए, ये मैं 1 महीने की 1.5 महीना यूज़ करने के बाद ये देखिए क्या हो गया। ये देखो आप लोग, आप देख सकते हो, ये देखो इसका पापड़ी पापड़ी निकलने लगा, पापड़ी निकलने लगा। देखो मैं कुछ लगा के रखा है, पापड़ी निकलने लगा। अच्छा, ये जो बर्नर देख रहे हो आप, इसका पापड़ी निकलने लगा। ये पीतल का नहीं है, एक और एल्युमिनियम है, पता नहीं क्या है। 1.5 महीना, 1 और 1.5 महीने के यूज़ करने के बाद इसका पापड़ी निकलने लगा। तो मैं इसे कुछ देकर कुछ दिन खाना पकाया, तो और नहीं हो रहा है। तो मैं इसे ऑफ करके मैं इधर चली गई, ठीक है। देखिए ये भी पापड़ी निकलने लगा, ये भी देखिए निकलने लगा। और ये मैं कुछ ही दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो अभी पापड़ी नहीं आ रहा है, तो पापड़ी निकलने लगेगा। तो इसका क्या, मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। देखिए इसका जो चाबी है, देखिए 1.5 महीना यूज़ करने के बाद ही ये हाल है। तो ये हाल है, खुल गया। तो जब मैं लाई थी शुरू शुरू में, ये कभी टाइट होता था, कभी स्लो मैंने सही होता था, कभी टाइट होता था। तो मैंने सोचा कि चलो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। तो मैंने क्या करती थी, जैसे ये चाबी जाम ना हो जाए, है ये चाबी जाम ना हो जाए, तो मैं ऐसे कपड़े डाल के ऐसे 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 साफ करती थी। ऐसा मत सोचो कि मैं साफ नहीं करती थी। हाँ, तो ये आप यूज़ करने के लायक नहीं रहा। तो ये मैं वापस देकर स्टील बॉडी ओवन लेने जा रही हूँ। तो मैंने पूछा कि मुझे और ये सब ये नामी दामी ब्रांड अब नहीं चाहिए। मैं एक कज़िन से पूछा कि तेरे घर क्या ओवन है। कौन सा ओवन है? हाँ, उसने बोला कि पुराना लोकल है, शाम का है, ठीक है मैं वही ले लूँगी। तो उसने कहा क्यों, मैंने बोला कि मैं लाई थी प्रेस्टीज का। तो उसने बोला मैं भी लाई थी प्रेस्टीज का, ऑनलाइन से खरीदा था है। तो 2 दिनों के बाद, कि 4-5 दिन यूज़ करने के बाद उसे भी पापड़ी निकलने लगा, और चाबियाँ भी खोल के ऐसे आ गई। और मैं उसे पैक करके कहीं रख दिया। और सास का जो जो पुराना ओवन था, वो मैं फिर से निकल के आप रसोई पका रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। उसका काजिन, मेरा काजिन ऐसा बोला, उसका भी एक काजिन ऐसा ही बोला कि वो बोला कि ये जो ग्लास बॉडी है वो बास्ट हो गया बिल्कुल। और उस वक्त तो नहीं था, अगर सामने रहता तो आंखों में एक्सीडेंट चुभता, एक्सीडेंट हो जाता। तो आप लोग समझ है, लेना। मैं तो ये क्या बताऊँ, मैं लेने से पहले गूगल से सर्च किया कि ये बहुत अच्छा है, बेस्ट सेलर है, बहुत कुछ कहा सुनकर मैं खरीदी थी। तो आप खुशी खुशी लाने के बाद देखाइए, तो 1 से 1.5 महीना के बाद मैं बहुत तकलीफ से इसे यूज़ कर लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है। तो पता नहीं आप लोग क्या बोलोगे, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है। मैं इससे पहले स्टील बॉडी गैस ओवन यूज़ किया, 20 साल मैं उसे यूज़ किया। पता है
मुझे क्या ऐसा हो गया कि मैं ऐसा खुशी खुशी जो घर में लाई थी मैं ऐसा बोलने लगूंगी। बोलने लगूंगी। तो आप सोच, ये खरीदने से पहले ये जरूर 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 सोचना कि आपको लेना है या नहीं। मेरे साथ सिर्फ नहीं, बहुत जनों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत जनों के साथ। मैं तो शर्म के मारे लोगों को बोल ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे गैस 2 दिन के बाद खराब हो गया। लोग क्या सोचेगा कि यूज ही नहीं जानते? ऐसा नहीं है, ये बहुत खराब क्वालिटी है, मानो आप बहुत खराब क्वालिटी मतलब है। मेरी मानो तो मत लो, मेरी मानो तो मत लो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, ये वीडियो आप लोग जरूर देखना और ये खरीदने से पहले जरूर जरूर सोचना 100 बार। नमस्कार।